नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस वीडियो में हम आपसे वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे, किचन की कुछ चीजों को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से किचन की चीजों को आप वास्तु के नियम के अनुसार रख सकते हैं और वास्तु के नियम के अनुसार रखने से ये चीजें किस तरीके से बेहतर रहेंगे, किस तरीके से इनका इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि वास्तु का नियम जिस तरीके से बनाए गए हैं, अगर नियमों का फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो किस तरीके से लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आजकल की हम अपने जीवन को लेकर बात करें तो अपने आजकल के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम तमाम चीजों को पीछे छोड़ देते हैं और वहीं दूसरी ओर ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर इन छोटी चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ हमारे जीवन पर नजर आता है। इसमें सबसे पहले जूसर मिक्सर को लेकर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम बात करेंगे इसमें। और इसमें है किचन में अगर हम बात करें तो हम आटा गूंदने की मशीन से लेकर जूसर मिक्सर आदि का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अप्लायंस हमारे किचन में काम में काफी आसान बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी खराब ना हो, लंबे समय तक आपका साथ देते रहे, तो इन्हें कभी भी उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह के अप्लायंस को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में रखने से ये अप्लायंस हमेशा चलते रहेंगे और इनका इस्तेमाल जिन खानों को बनाने में आप करेंगे उसमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसका प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। अब माइक्रोवेव को लेकर बात करें तो माइक्रोवेव भी आजकल काफी आम होता हुआ नजर आ रहा है और अधिकतर घरों में हम माइक्रोवेव को देखते हैं। अब अगर इसको लेकर बात करें तो हमेशा घर में माइक्रोवेव या फिर ओटीजी है तो इसे दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, इसे कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन्हें इस दिशा में रखते हैं तो इससे माइक्रोवेव में हमेशा कोई ना कोई परेशानी जो है वो आती हुई नजर आएगी। ऐसे में छोटे छोटे इन नियमों से, छोटे छोटे इन बदलावों से आप देखेंगे किस तरीके का प्रभाव पड़ता हुआ आपके किचन पर नजर आएगा, किस तरीके से आपके जो अप्लायंसेस है उन पर ये प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।